हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 24 मार्च 2024 को जीटी वर्सेस एमआई के होने वाले मैच में अगर आप शुभम गिल और रोहित शर्मा को सिलेक्ट किए हैं तो ये वीडियो को आप जरूर देखें। सबसे पहले यहां पे आप देखते हैं शुभम गिल को 90% से ऊपर लोगों ने सिलेक्ट किया है और रोहित शर्मा को 85% से ऊपर लोगों ने सिलेक्ट किया है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं चलते हैं तो आपका टीम जो है रैंक नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में शुभम गिल और रोहित शर्मा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभम गिल का। एमआई के जितने भी बॉलर्स हैं जैसे जसप्रीत बुमराह, कोहित जी, पीयूष चावला, तुषार, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी और आकाश मधवाल, अगर इतने सारे बॉलर्स खेलते हैं तो क्या शुभम गिल को कितने इनिंग में कितने बार आउट किए हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे शुभम गिल का इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर क्या है और ये भी बात करेंगे कि इन्होंने पिछले एक साल में कितने मैच खेले हैं और रिसेंट फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। उसी प्रकार रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभम गिल का। जसप्रीत बुमराह जो है शुभम गिल को 7 इनिंग में 1 बार आउट कर चुके हैं। कोहित जी जो है शुभम गिल के सामने अभी 1 भी इनिंग बॉलिंग नहीं की है। पीयूष चावला जो है 2 इनिंग में 1 भी बार आउट नहीं किए हैं। तुषारा जो है अभी शुभम गिल के सामने 1 भी इनिंग नहीं खेले हैं। हार्दिक पांड्या 3 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं शुभम गिल को। मोहम्मद नबी 2 इनिंग में 1 भी बार आउट नहीं किए हैं। आकाश मधवाल जो है शुभम गिल को 2 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं। ये हो गया शुभम गिल वर्सेस मुंबई के जितने भी बॉलर्स है। अब यहाँ पे शुभम गिल का इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर जो है 126 का है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं शुभम गिल जो है पिछले एक साल में 25 T20 मैच खेले हैं और इनका जो एवरेज पॉइंट्स है 60.6 का है। और इनका रिसेंट फॉर्म का बात किया जाए तो रिसेंट फॉर्म है 38, 14, 2, 14, 114, इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा जो है जीटी के जितने भी गेंदबाज है जैसे राशिद खान, मोहित शर्मा, लिटिल, ओमर जाई, कार्तिक त्यागी, जयंत यादव और दर्शन नलकंडे। तो अब बात कर लेते हैं राशिद खान। तो राशिद खान जो है 5 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। मोहित शर्मा जो है 3 इनिंग में 1 भी बार आउट नहीं किए हैं। जे लिटिल जो है रोहित शर्मा के सामने अभी 1 भी इनिंग नहीं खेले हैं। ओमर जाई जो है 1 भी इनिंग नहीं खेले हैं रोहित शर्मा के सामने। कार्तिक त्यागी 2 इनिंग में 1 भी बार आउट नहीं किए हैं। जयंत यादव जो है रोहित शर्मा के सामने 1 भी इनिंग नहीं खेले हैं। दर्शन नलकंडे जो है रोहित शर्मा के सामने 1 भी इनिंग नहीं खेले हैं। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा का इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो रोहित शर्मा का इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर जो है 64 का है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्होंने एक साल में टोटल कितना T20 मैच खेले हैं और इनका एवरेज जो पॉइंट्स दिए हैं क्या है। तो इन्होंने जो है पिछले एक साल में 19 T20 मैच खेले हैं और इनका एवरेज पॉइंट्स जो है 38 है। और यहाँ पे रिसेंट फॉर्म के बारे में बात किया जाए रोहित शर्मा का तो 174, 10, 10, 13 और 30, इस तरह से है रिसेंट पॉइंट। तो अब यहाँ पे रोहित शर्मा और शुभम गिल को देख लिए। कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा प्लेयर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, रोहित शर्मा या शुभम गिल या दोनों प्लेयर को। तो फ्रेंड्स, ये दोनों प्लेयर के बारे में जान लिए। अगर आप कैप्टन और वीसी बनाते हैं तो रिक्सी हो जाएगा। अगर आप दोनों प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे तरफ से छोटी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।